हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर चलने वाली हूँ एक और नासिक के फेमस मिसल रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है पाटिलवाड़ा। तो जैसे इस रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट करता है वाड़ा, वैसा ही उन्होंने इसका एम्बियंस भी बनाया है। मेरे पीछे आपको इनका गेट दिख रहा होगा जो एग्जैक्टली एक वाड़ा के गेट की तरह है। तो चलिए अंदर चलते हैं, उसका एम्बियंस एक्सपीरियंस करते हैं, मिसल यहाँ पे वो कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस देखते हैं और मिसल ट्राई भी करते हैं। चलिए। तो वाड़ा का मतलब होता है घर, और जैसे हर एक घर में तुलसी वृंदावन होता है, वैसे ही उन्होंने अपने एंट्रेंस में एक तुलसी वृंदावन रखा है, जो कि बहुत अच्छा टच है। ये जो रेस्टोरेंट है वो आता है मोतीवाला मेडिकल कॉलेज के बहुत ही पास में और गंगापुर रोड से सिर्फ 10 मिनट्स के दूरी पे है। इसका गूगल पिन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इजीली आ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मिसल कैसे बनती है। तो अभी हम इनके किचन में हैं और मेरे सामने ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिसल बनने में जाते हैं। आपको कुछ ड्राई स्पाइसेस दिख रहे होंगे जो कि बेसिक स्पाइसेस है जो हर एक चीज़ों में यूज़ होते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो सारे स्पाइसेस को ग्राउंड करके वो घर पर बनाते हैं, वो है ये काला मसाला। इसमें मुझे बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस का अरोमा आ रहा है और बहुत ही टेम्पटिंग है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये पेस्ट बनाते हैं वो। इसमें गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्ची, पीनट्स, कोकोनट यूज़ किया जाता है। तीसरा मेन इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो इसको बनाया गया है अनियंस को चूल्हे पे रोस्ट करके फिर उसका पेस्ट बनाया जाता है। तो इसका जो टेस्ट है ये अमेजिंग आता है। ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हमारे घर पर जब भी आमटी बनाते हैं, वो एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश है, उसमें भी हम लोग ऐसे ही अनियन को रोस्ट करके बनाते हैं, तो जो इसका टेस्ट होता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख रहा होगा कि मिसल कैसे बना, क्योंकि हमारे आंखों के सामने लाइव अभी बन रहा है। तो इसका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो सारे ड्राई स्पाइसेस है वो पहले पानी में मिक्स करते हो और फिर डालते हैं वेसल में। इससे क्या होता है कि ये जो मसाले सारे वो जलते नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ मुझे आपको ऐसी बतानी है, जो रस्सा है उसमें वो रेगुलर पानी नहीं डालते, उसके जगह पे जिसमें स्प्राउट्स बॉईल होते हैं वो वाला पानी डालते हैं, ताकि जो रस्सा है उसमें वो स्प्राउट्स का फ्लेवर आए। तो आई एम श्योर मिसल बहुत टेस्टी होने वाला है, कांट वेट टू टेस्ट इट। सो सारे इन्ग्रीडियंट्स अभी डल चुके हैं और अभी सिर्फ देर है उसको प्रॉपरली कुक होने का चूल्हे पर। तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, वैसे तो चूल्हे पर स्टर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका जो स्मोक है वो कॉन्स्टेंटली आते रहता है, बट मज़ा आएगा इसको खाने में। और ये जो आप वेसल दिख रहे हो, इसमें 400 प्लेट मिसल बन रहा है अभी। सो यहाँ पर मिसल के साथ साथ वड़ा रस्सा भी मिलता है, तो फिलहाल उसका प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ का एरिया बहुत ही बड़ा है, सिटिंग एरिया के साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पेस डेडिकेट किया है एंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे स्विंग सेट है, फिर बुलक कार्ट रखा है उन्होंने फ़ोटोज़ निकालने के लिए, स्लाइड्स है, फिर टॉय ट्रेन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पे एड ऑन एक्टिविटी भी है बबल शूटिंग का, 20 रुपीज़ में आप 6 राउंड्स कर सकते हो। तो लेट्स सी मैं कितने बबल्स फोड़ पाती हूँ। यस, बीच में का फूटा। ये जो इनकी प्रॉपर्टी है इसमें उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, तो काफ़ी ग्रीनरी है, तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। अभी बहुत भूख लग रही है। अभी हमने ऑर्डर किया है 1 प्लेट मिसल, 1 प्लेट कांदा भजी, जलेबी और इनका स्पेशल वड़ा रसा। सो ये हमारा पूरा ऑर्डर आ चुका है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एक चीज़ें। सो ये है
कांदा भजी और उसके साथ फ्राई किया हुआ मस्त मिर्ची है और जिस पे बहुत अच्छे से उन्होंने सॉल्ट लगाया है, मिसल का प्लेट। ये है इनका स्पेशल वड़ा रस्सा, जिलेबी मस्त घी में फ्राई की हुई, बटर में रोस्ट किए हुए पाव का प्लेट, दही, अनियन और नींबू। ये मेन जो हमने बनता हुआ वो रस्सा देखा। और ये तर्री, मीठा लस्सी और मसाला छाछ। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कांदा भजी, ये बहुत ही क्रिस्पी है। वाव, अनियन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। अनियन का एक थोड़ा सा जो स्वीट फ्लेवर आता है फ्राई करने के बाद वो आ रहा है, जो क्रिस्पीनेस है प्रॉपरली फ्राई करने की वजह से वो भी बहुत अच्छा है। मैं ऐसा बोलूँगी कि ये परफेक्ट स्टार्टर है मिसल खाने के लिए। अभी हम ट्राई करेंगे मिसल, बट इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या कॉन्टेंट है। तो पहले तो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स में मटकी और चना है बॉईल किया हुआ, मोटी शेव भी है और पतली शेव भी है, बट पतली शेव का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो अभी हम इसमें डालेंगे रस्सा। ओह माय गॉड, वो जो काला मसाले का आरोमा है ना, बहुत ज़्यादा है अच्छे से। बहुत ही अच्छा टेस्ट है मिसल का। लहसुन और अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अनियन जो उन्होंने रोस्ट किए चूल्हे पे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जो स्पेशल टेस्ट है जो बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है वो है उनके काले मसाले का टेस्ट। अमेजिंग टेस्ट है, थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे है, तो अगर आप स्पाइसी खाते हो तो आपके लिए परफेक्ट मिसल है। अभी एक सिप मैं छाछ का लेती हूँ ताकि मेरा जो टेस्ट है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर मैं ट्राई करूँगी इनका स्पेशल वड़ा रस्सा। वाओ, एकदम चिल्ड है छाछ, बहुत चटपटा मसाला है उसमें। मुझे हल्का सा अदरक के पाउडर का टेस्ट आ रहा है, जीरा है, बहुत सारा मतलब ढेर सारा काला नमक है जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आया मुझे छाछ पी के। एक्चुअली एक और सिप लेती हूँ। वाओ, तो इस वड़ा रसा के प्लेट में उन्होंने दो वड़ा दिया है। ये वड़ा बेसिकली जो हम वड़ा पाव में खाते हैं वो वाला वड़ा है, उस पर थोड़ा सा उन्होंने शेव डाला है पतला और मोटा शेव डाला है हल्का सा। तो पहले मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ वड़ा। मैं पहले रस्सा डालने से पहले ना सिर्फ वड़ा को टेस्ट करके देखती हूँ ताकि मुझे समझे कि वड़ा का एक्चुअल टेस्ट क्या है। वड़ा पाव वाला ही वड़ा है, पोटैटो है, कोरिएंडर है, थोड़े बहुत ड्राई स्पाइसेस है और मिर्ची अदरक का टेस्ट मुझे ज़्यादा आ रहा है इसमें। इसमें अभी हम लोग रस्सा डाल के देखते हैं। सो ये एक्चुअली वड़ा रस्सा का मेरा सेकेंड टाइम है। इसके पहले जब मैंने खाया था तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करूँ मुझे पता नहीं था, बट अभी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि वड़ा रस्सा से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हल्का सा तर्री डालते हैं इसमें। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वड़ा रस्सा अच्छा लगेगा, बट मुझे जेन्युइनली वड़ा रस्सा अच्छा लग रहा है। प्रॉपर ऐसे मसालेदार रस्सा डाला है तो उसकी वजह से जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो गया है उसका। जो ना वड़ा पाव और मिसल दोनों के फ़ैन है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं तो दोनों की फ़ैन हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का वड़ा रस्सा और सच में इनका स्पेशल वड़ा रस्सा स्पेशल है। तो अभी मैं एक जलेबी का बाइट लेती हूँ ताकि मुझे जो इसका स्वीटनेस है वो और अच्छे से समझेगा। बाहर से बहुत क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही जूसी है, ऐसे मुंह में जाते ही मेल्ट होता है। तो मस्त स्पाइसी मिसल खाने के बाद ये बहुत अच्छा डेसर्ट है। इस जलेबी में उन्होंने इलायची डाला है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। मिसल खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली बहुत घर वाला टेस्ट था, हमने जो घर पे काले मसाले का आमटी बनाते हैं ना उससे बहुत सिमिलर टेस्ट था। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो रेसिपी है मिसल का वो खुद ओनर का रेसिपी है और वो खुद ओनर यहाँ पे कुक करते हैं, इसलिए बहुत होमली फीलिंग आता है सारे फूड में। मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप दिख रहा होगा, तो इस पर से मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्मॉल स्केल के वेडिंग्स भी होते हैं, फिर यहाँ पे छोटी मोटी पार्टीज़ होती है, बर्थडे पार्टीज़ आप रख सकते हो, फिर दुहाड़े जीवन यानी कि बेबी शावर आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी यूज है। एकदम ही पेट भर के खाने के बाद एक पान तो बनता ही है, तो मैं यहाँ से पान भी लेती हूँ एक। वाह,
बहुत बड़ा पान। हमारा टोटल बिल जो है वो ₹385 आया, और इसका जो ब्रेकअप है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देखेगा उसे। अगर इस रेस्टोरेंट को मुझे ओवरऑल रेटिंग देना रहेगा तो एम्बियंस को मैं दूंगी 10/10, फूड को मैं दूंगी 9/10, और सर्विस को मैं दूंगी 9/10। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया रहेगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डर्स।